बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब, होप करता हूँ कि आप सब खुश हो गए, स्वस्थ हो गए। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं स्कूल से आ गया हूँ और आते मुझे एक काम मिला है, हमारी स्कूटी का तेल खत्म हो गया और वो सड़क पे खड़ी है। सबसे पहले तेल लेके आना, फिर उसमें डालना, फिर घर पे लेके आनी है स्कूटी। तो अभी तेल लेने चलते हैं। तो दोस्तों हम पेट्रोल लेके वापस आ गए हैं और अभी इसको स्कूटी में डालते हैं, स्कूटी घर लेके चलते हैं। तो दोस्तों हम तैयार गए हैं पेट्रोल और अभी इसमें इसको डालते हैं। तो दोस्तों तेल तो डाल दिया है। दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जाऊंगा अब दवा लेने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा बुखार है, बुखार हो रखा, तो मैं और लक्ष्य जाएंगे दवा लेने के लिए। पता नहीं दोस्तों मैं इतना ज़्यादा बीमार क्यों रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से दवाई भी ले ली है और अब घर पे चलते हैं। तो सब छत पे डांस करने के लिए, तो ये कल नहीं आया था, डांस करने के लिए ट्यूशन पर चला गया था। और ये रहना तक सुमित, आज ये दोनों दोस्त आए हैं और मेरे, ये कल नहीं आए थे, मैं बता रहा था ना कि दो दोस्त और आएंगे, ये आए नहीं थे कल मेरे। तो मैं आपको डांस की वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कल भी आपको डांस की वीडियो दिखाई थी, इसलिए आप बोर हो जाओगे तो मैं नहीं दिखाऊंगा डांस की वीडियो आपको। तो सो भी बन रही है मेरे लिए चाय, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, मन तो नहीं कर रहा था, मम्मी ने बोला कि चाय पी ले, मेरे सर में दर्द हो रखा था ना इसलिए। और आज खाने में है, आज खाने में सुबह की आलू की सब्जी और मम्मी धो रही है यहाँ पे बर्तन। तो दोस्तों मेरी चाय आ गई और मैं चाय के साथ ले रहा हूँ बिस्कुट, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि खाली पेट चाय नुकसान करती है, तो इसलिए बिस्कुट भी साथ ही खा रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे आपसे एक बात करनी थी, मेरे सभी दोस्त मुझे कहते हैं कि तू हरियाणा से है ना, तो तू हरियाणवी में वो लोग बनाया कर। तो ये आइडिया तो मुझे भी अच्छा लगा, आप कमेंट्स में जरूर बताना कि मैं हरियाणवी में व्लॉग बनाऊं या हिंदी में व्लॉग बनाऊं। तो अभी इसके बाद का व्लॉग मैं हरियाणवी में बनाऊंगा, तो आप बताना कि वो व्लॉग आपको अच्छा लगा या हिंदी वाला ही अच्छा लगा। अगर आप कमेंट्स में जो भी व्लॉग है ना, तो मैं उसी भाषा में वो बनाऊंगा व्लॉग। तो दोस्तों मैंने किचन में आके देखा, तो किचन में बहुत सारा सामान रखा था, तो मैंने मम्मी तक पूछी, मैंने मम्मी को भी बता रहा है, तो मम्मी जी ने बताया कि ये मेरे पापा जी के मामा जी घर से आया है। देखो ये है खीर, और आपको मैं बताना कि आपके वहां पे से क्या बोला जाता है, हमारे यहाँ पे तो उसको खील बोला जाता है, और ये है इसको बोला जाता है खिलौने, ये मिठे होते हैं। मुझे तो खील दोस्तों बहुत पसंद है, इसमें मैं आपको इसको एक दिन रेसिपी भी दूंगा, इसमें प्याज टमाटर काट के खाया तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्नैक्स बन जाते हैं। दोपहर में तक कभी भूख लगती है ना, तो मैं यही बना के खाता हूँ। और अभी मेरे मामा भी आएंगे थोड़े दिनों में, तो मैं अपने मामा से मिलवाऊंगा आपको, देखते हैं मेरा मामा क्या क्या लेके आएगा। और सिर्फ ये नहीं आया लेके आए, मेरे पापा जी के मामा फ्रूट्स भी लेके आए हैं और कपड़े भी लेके आए हैं और भी बहुत सारा सामान लेके आए हैं। दोस्तों अभी माँ जी से पूछते हैं कि आज माँ जी को कैसा लगा, माँ जी के मायके से आज माँ का भाई मिलने आया था ना, तो पूछ रहे हैं माँ जी से कैसा लगा माँ को, माँ कैसा लग गया। आज तो भाई मिलने आए थे ना आपके, बढ़िया लग गया। मैं आपको इसलिए नहीं मिलवा पाया उनसे, क्योंकि मैं स्कूल में गया हुआ था और मैं घर आया ना तब तक वो जा चुके थे। तो दोस्तों अभी अभी रानी के साथ खेलते हैं, मुंह में बोल पकड़ के लेके आए, चलो खेलते हैं। तो कैसे देख रहे हैं की तरफ फैंस को, ah
सारा स्कूल का काम कंप्लीट तो कर लिया है और आज को लोग हम यही पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।